आज के इस व्लॉग में पता नहीं क्या क्या होगा, चलो तुम खुद ही देख लो। और इतनी सारी चीज़ें होंगी जो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता, तो चलो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला भाई मैं सबको कह देता हूँ जय श्री जगन्नाथ। और अब हम चाल पड़े हैं भाई अपने रास्ते पर मेट्रो से। और आज का हमारा सबसे पहला स्टेशन है कश्मीरी गेट। रिठाड़ा से हम कश्मीरी गेट जाएंगे, तो आप देख सकते हो भाई भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है। और तुमने बेरा तो है आपा की व्लॉगिंग कैसी है और कैमरा एंगल तो तुमने पता ही है कैसा है। तो उसने सुधारण थी जो आप बता उसको बता देना कि क्या क्या मैं इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। और भीड़ आप देख ही सकते हो, और ये कश्मीरी गेट पे है भीड़ इतनी। और चलो नीचे चलते हैं। अब भीड़ का तो भाई वो तो तुम्हें पता है, इंडिया फर्स्ट नंबर पर आ चुका है पॉपुलेशन में, भीड़ तो होगी। एंड कश्मीरी गेट से भाई बहुत ज़्यादा स्टेशन पर मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कभी कभी, बट अब मैं हो चुका हूँ परफेक्ट, क्योंकि सेकंड टाइम गया था। और ये हमने बस कह रहा हूँ मैं, मेट्रो पकड़ ली थी हमने विश्वविद्यालय की, और हम उतर चुके हैं विश्वविद्यालय। और भाई हमने स्वाइप अप करके हम निकल चुके थे स्टेशन से। और आप देख ही सकते हो यहाँ पे मतलब खाने पीने का, और जैसे कि ये रिक्शा वगैरह अंकल हैं सारे खड़े थे। और ये है पटेल चैस हॉस्पिटल, जहाँ पे हमें थोड़ा सा काम था जो मैंने निपटा लिया है भाई। और आप देख सकते हो विश्वविद्यालय, मैंने आपके लिए फ़ोटो ले लिया था, कहीं मेरे से गलती हो जाए तो आपको पता चल जाए। और उसके बाद मेरे दोस्त ने मेरे मित्र संबंधी ने बोला था कि चलो घूमने चलते हैं, और वो भाई उसको आधा घंटा लगा, और मेरे को मतलब 10 मिनट पहले ये सीट मिली थी उसके आने से, पैर बिल्कुल जाम हो चुके थे भाई। आधे घंटे में तुम बोलोगे इतनी जल्दी, क्योंकि भाई मैं जिम भी मारता हूँ ना, जिम भी करता हूँ, मतलब क्या यार कुछ भी कह रहा हूँ। एंड ये भाई बहुत देर बाद आया था, तो इसको मिल के मेरे को तो खुशी हुई थी उसको बताने। एंड अब हम जा रहे हैं गुरु बंगला साहिब, शायद ऐसा ही कुछ नाम है उनका। और ये है इंडिया फास्ट है ना, 4-5 घंटे तो लगते हैं बस। लोकेशन भी खोल ले इसी बात पे, फोन पे तो चलता है ना तेरे पास, कोई ना तेरे को अच्छे से लूटेंगे। पापा जी ने बोला था मास्क लगा लेना भीड़ में और मेट्रो में, तो मैंने मेट्रो में लगा रखा था मास्क। शिवाजी स्टेडियम से भाई हम आ गए थे मेट्रो स्टेशन से, सिख धर्म में सिर के ऊपर ये कपड़ा बांधना होता है, तो मैंने बांध दिया था। और कृष्णा ने मेरी वीडियो बना दी थी, तो उसी के साथ फिर कृष्णा ने बोला कि मेरी वीडियो भी बना दे, तो भाई मैंने इसकी वीडियो भी बना दी थी। वैसे इन चीज़ों को देखने का मज़ा असलियत में ही है, और जूता घर साइड में ही था, पर मेरे माध्यम से देखोगे तो उतना ही दुगना मज़ा आएगा जितना तुम रियल लाइफ में देखोगे। और भाई हमने जूता घर से ले लिया था टोकन, और अपने जूते रख दिए थे सेफ। और ये हमने यहाँ पे पैर धोए थे, हर गुरुद्वारे में ऐसा पैर धोने का होता है। और यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए हुए थे भाई। एंड ये बिल्कुल दिल्ली में है, और न्यू दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम से यहाँ पे इजी है आना, तो फॉरेनर्स आए थे। और जैसे कि बाहर कनेडियंस जो रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे। गुरुद्वारा यूज़ था भाई, बहुत बड़ा था। और यहाँ पे अंदर दरबार है उनका, देखो बाहर से दरबार के मैं आपको यूज़ दिखा देता हूँ थोड़े। एंड इस फिल्टर में थोड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे एक तालाब था जिसमें मछलियाँ थी, पर वो थोड़ा पानी गंदा लगा मेरे को। एंड मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी भाई, देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से गुरुद्वारा। भीड़ ज्यादा नहीं थी, ये बात अच्छी है वैसे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
और आप देख सकते हो कितना बड़ा तालाब है ये। और भाई मेरे को फ़िल्टर अच्छा नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब है, तो मैंने यूज़ कर लिया और थोड़ा ठीक लगा मेरे को। और इस पानी में ना इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, कितनी बताऊँ, चार तो ज़्यादा हो गया, 2.5 फुट की थी मछलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, कैट फिश। एंड ये अंदर से है ना यहाँ पे सोने के लिए और बैठने के लिए, कई लोग तो यहाँ पे सो भी रहे थे और बैठे भी हुए थे। और आप भाई यहाँ से गुरुद्वारा देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। एंड यहाँ पे बाहर से हम इसलिए नहीं आए क्योंकि बाहर भाई गर्मी। और एक अंकल वीडियो बना रहे थे तो मैंने अपने दोस्त को बोला तू भी बना भाई, तू भी बना, हमें दिखानी है हमारे व्यूअर्स को वीडियो। और उन्होंने लाइक नहीं करी तो बुरी बात है, और सब्सक्राइब नहीं करा उससे बड़ी बुरी बात है। और कमेंट अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कर देना, ऐसी ही वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए। और अगली बार शायद हम जा सकते हैं अयोध्या राम मंदिर, अगर आपने मेरे को सपोर्ट करा तो। और पीछे तालाब देखो भाई कितना अच्छा लगेगा ये। एंड यहाँ पे है ना कुछ म्यूजियम टाइप था मेरे पीछे, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बना भी हुआ है। और पीछे से आप व्यू देखो, जूता घर साइड में ही है हमारे जहाँ पे हम खड़े थे, और यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता था। और अब आपको बाहर से दर्शन करा देता हूँ, देखो कितना अच्छा, मतलब अंदर से ना जैसे सालासर बालाजी में स्वर्ण वो लगा हुआ है वैसे ही अंदर से इंटीरियर था उसका, थोड़ा बहुत सिमिलर था। एंड इस भाई ने अभी तक खाई नहीं है भाई आइसक्रीम। अर्थम नबे रहे होगा अक भाई, हरियाणा वालों को भूख कितनी लगती है, तो हमने सोचा कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और दो एक बर्गर ले लिए थे, और तो कुछ खाने थी मिला नहीं भाई, हमने बर्गर ले लिए थे। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को यहाँ पे, पर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिखा रखी थी भाई। मैं वीडियो बना रहा था और कृष्णा तो तुम्हें पता ही है वीडियो बना ही रहा था क्योंकि उसके हाथ में ही फोन है, दिख रहा होगा तुम्हें। एंड ये हमने दो आइसक्रीम ले ली थी, एक इसके लिए एक मेरे लिए, जो इससे खाई नहीं गई थी, और मैंने इसको भाई देसी भाषा में बोलते हैं बुढ़क मार मार कर खाया था। तो वहाँ से आने के बाद भाई मैं चला गया था जिम में, और आप देख ही सकते हो। इनके व्लॉग्स चाहिए तो बता देना, कमेंट कर देना बस एक बार।